जी वहाँ का जो लोकल होने की वजह से इनको डिटेल सब पता था कि क्या है क्यों हुआ, इनके सामने ही हुआ सब सारा चीज। लेकिन फिर भी फिल्म के जरिए बहुत सारे चीज हमको दिखा नहीं सकते हम लोग, जितना पॉसिबल है हमने उस पर दिखा दिए कि वायलेंस भी उतने ही लिमिटेड में दिखा सकते हैं हम लोग। और ये क्या है कि एक वायरस है ये जो हमारे समाज पे कि कम्युनल डिफरेंसेस पैदा करता है, इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि लोग मिलजुल के रहेंगे तो अपना प्रोग्रेस कितना होगा, बिजनेस में दिमाग चलेगा और चीजों में चलेगी, ये कास्टिज्म में इसमें उसमें कितने लोग जान, कितने लोगों का घर जल गया, कितना क्या क्या हुआ इसमें। सो इसको एक कमर्शियल शेप दिया, पूरा ढंगा दिखा के फिल्म नहीं बना सकते, इसके लिए फिल्म को एक कमर्शियल शेप भी बनाया पूरा कि फिल्म के अंदर दंगा है, दंगे के लिए फिल्म नहीं बनाया कि इसको कंप्लीट कमर्शियल फिल्म है। एक सीधा साधा सा एडुकेटेड लड़का है कि जो मुजफ्फरनगर में आता है अपना लीव पे आता है, उस टाइम पे उसके साथ क्या क्या गुजरता है, तो फिर उस जो दंगे के टाइम पे वो लोगों को मदद करने के लिए जाता है, हेल्प करने के लिए कि कहीं भी किसके साथ की तकलीफ हो रहा है वहां पे खड़ा हो जाता है और उसी को क्रिमिनल बना देता है ये जो सिस्टम है सब सारा चीज। सो हाउ यू कम आउट ऑफ दिस ऑल, दिस इज नॉट अबाउट दैट कम्युनल क्राइसिस, दिस इज बट द आफ्टर इफेक्ट ऑफ इट, इसका जो आफ्टर इफेक्ट है इसके लिए है सब। हरि जी आप भी कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी डायरेक्टर साहब, मनोज जी बोलते कि आप ही बोल दो, क्योंकि आपने स्क्रिप्ट प्ले लिखा है, आप ही बताओ। मैं लिखना जानता हूँ जी, बहुत मेहनत की।